गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम है आप सभी का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज मैं सुबह सुबह ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूं, क्योंकि अब ऐसे ही मैं सोच रहा हूं ब्लॉग करने के लिए। तो काफ़ी दिनों बाद मैं सुबह आज जल्दी उठा हूं। अभी तो हमारे यहां 8 बजने वाला, इंडिया में 10:30 बजने वाला होगा। अभी मैं गल्फ़ कंट्री में हूँ, तो गल्फ़ कंट्री का जो सुबह सुबह का रूटीन होता है, ख़ास करके आज फ्राइडे है तो बहुत सारा काम है। पहले तो जाता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद बर्तन भी धोने हैं, कपड़े धोने हैं, और लॉन्ड्री में भी दे रखा हूँ कपड़ा, वो भी लाना है। तो खुद से जो कपड़ा धोता हूँ वो ड्यूटी वाला कपड़ा होता है, और खाना उना मैं खुद ही बना के खाता हूँ। तो ये सारे पहले काम निपटा देता हूँ, बर्तन वर्तन धो करके, ड्यूटी वाला कपड़ा धो करके, फिर आपसे आगे मिलते हैं। क्या क्या करते हैं वो सब मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। तो यहाँ पर है बर्तन रखा हुआ, पहले इसको धोते हैं, फिर जाते हैं लॉन्ड्री में। मैं लॉन्ड्री वाला कपड़ा लेके आता हूँ, पहले इसे इस बर्तन को धोऊंगा, फिर ड्यूटी का कपड़ा धो करके फिर लॉन्ड्री जाऊंगा। तो बर्तन वर्तन धो लिया, ड्यूटी का कपड़ा धो लिया, फ्रेश हो गया, तभी जा रहा हूँ कपड़ा लेने लॉन्ड्री। और लॉन्ड्री भी दिखा दूँगा आप लोग को, यहाँ का सऊदी का लॉन्ड्री। तो चलिए लॉन्ड्री पर मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ लॉन्ड्री पर, ये देख सकते हैं ये लॉन्ड्री है, सबका ये पैकिंग है सामान। यहाँ जो है कपड़ा फोल्ड नहीं करता है लॉन्ड्री में, बस इसी तरह से धो धा करके बस सीधा करके दे देता है, ऐसे ही देता है यहाँ का जो लॉन्ड्री होता है, लॉन्ड्री में कपड़ा। सारा काम निपटाने के बाद अब मैं हो गया हूँ रेडी। रेडी इसलिए हुआ हूँ, जाना है जुमे के नमाज़ पढ़ने। तो जाते हैं, पहले जनमाज लेते हैं, एक छोटी सी मस्जिद है, वहाँ से जनमाज उठाएँगे और जाएंगे सीधा मस्जिद में। ऐसे तो मस्जिद थोड़ा लेट हो गया हूँ, मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिलेगा, तो हो सकता है बाहर ही पढ़ना पड़े। तो हम लोग जो भी हैं यहाँ के, जो जुमा वाले दिन जाते हैं नमाज़ पढ़ने, तो वो साथ में अपना जानमाज लेके जाते हैं। तो मैं भी अपना जानमाज लेके जाऊँगा, अंदर जगह मिलेगा तो अंदर जाके नमाज पढ़ेंगे, नहीं तो बाहर ही। तो जुमा वाले दिन बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है हम लोग को, काम से ज़्यादा जो है ना जुमे वाले छुट्टी वाले दिन बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि हफ्ता दिन का काम जो है ना छुट्टी वाले दिन पे ही छोड़ देते हैं कि जो है जुमे के दिन करेंगे, फ्राइडे के दिन करेंगे ये काम वो काम, तो बहुत ही ज़्यादा काम होता है। तो चलिए नमाज पढ़ने जाते हैं अभी। तो दोस्तों, ले लिया हूँ ये जनवाज, अब जा रहा हूँ मस्जिद। अब मस्जिद जा कर के देखते हैं क्या होता है, वीडियो बना पाता हूँ कि नहीं, नहीं तो नमाज़ पढ़ के चले आएँगे। थोड़ा धूप भी तेज़ हो रहा है, आँख बंद हो रही है हमारी। तो मैं पहुँच चुका हूँ मस्जिद के नज़दीक, और भीड़ तो काफ़ी लग रहा है, पता नहीं अंदर जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शायद से देखते हैं। तो जुमा का नमाज़ पढ़ लिया, और मस्जिद से एक पानी का बोतल भी ले लिया है। सब नमाज़ पढ़ करके जा रहे हैं, और ये पानी का बोतल हर मस्जिद में फ्रिज में और कार्टून में भरा पड़ा रहता है, जिसको जितना मर्जी है उठा के ला सकता है। तभी देखते हैं क्या करते हैं अभी। तो दोस्तों, अभी आ गया हूँ मैं बंगाली होटल में, बांग्लादेशी होटल, यह बांग्लादेश का है ये आदमी लोग, तो इसी के होटल में आया हूँ खाना खाने। देख सकते हैं यहाँ का होटल कितना साफ़ सुथरा है। तो ये है हमारा खाना, और इधर ये है, ये बिरयानी है इधर, और इधर ये चटनी पराठा। तो खाना कंप्लीट कर करके, तो नमाज़ पढ़ करके हम जुमे का, और खाना वाना खा करके अब जा रहे हैं रूम पे। खाना तो खाने गया था मैं अपने मनपसंद चिकन बिरयानी खाने, बट वैसा ढंग का मिला नहीं बिरयानी, अब क्या करें, अब खाना तो खाना ही है। तो मैं जिस होटल से पहले खाता था उस होटल में नहीं खाया था, आज मैं सोचा था दूसरे होटल में जाता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ, कहीं वहाँ अच्छा ज़्यादा, इससे ज़्यादा अच्छा मिले, बट अच्छा उतना मिला नहीं। तो चलिए अब ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, अभी थोड़ा गैरेज में जा कर के वहाँ पर वीडियो को समाप्त करेंगे। तो सऊदी का आज का जो हम लोग का जो वर्कर लोग का जो भी जुमा के दिन का शेड्यूल होता है, वो सारा मैं आप लोग को शेयर किया हूँ अपने वीडियो के माध्यम से।
तो वीडियो को मैं यहीं करूँगा। अब मैं जो हूँ अपने गैरेज पे पहुँच गया हूँ। मेरा गैरेज ये रहा, देख सकते हैं ये रहा बोर्ड। तो वीडियो का अब लंबा नहीं करेंगे। ये रहा सऊदी का ये लाइफ, यही ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग। तो तब तक के लिए बाय बाय।